सब्सक्राइब करें इंडिया विजन चैनल को, बेल आइकन को दबाएं न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया विजन में। और आज इस वीडियो में हम एक्सपी डेको 01 ग्राफिक्स टैबलेट के लिए ड्राइवर डाउनलोड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। इंटरनेट ब्राउजर ओपन होने के बाद आपकी टैबलेट के ऊपर एक लिंक दिया गया है ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए, नहीं तो उसमें टाइप कीजिए xp/pen.com और एंटर कर दीजिए। जो सबसे पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक कर दें और इसे लिंक को ओपन होने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइवर डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दें। फिर इसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर बहुत सारी टैबलेट्स के लिए ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए लिंक दी गई हैं। तो आप ये लिखा हुआ है Deco 01, Deco 03 Star, इन सभी टैबलेट्स के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर है। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो को पुश कर देता हूँ क्योंकि ड्राइवर को डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्राइवर अब डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब इसे फोल्डर में जाकर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करके इसे अनजिप कर लेता हूँ। अब देखिए ड्राइवर अनजिप हो चुका है। इस पर डबल करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्चुअली ये मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। इंस्टॉल होने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कांट डिटेक्ट द टैबलेट, प्लीज प्लग इन इनटू द ओपन द ड्राइवर अगेन। ये कह रहा है कि आपको पहले टैबलेट को इसमें प्लग इन करना पड़ेगा तब ये ओपन होगा। तो चलिए टैबलेट को प्लग इन कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर टैबलेट को प्लग इन कर रखा है। प्लग इन करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस USB केबल को लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद उसके दूसरे USB Type-C पोर्ट को टैबलेट से कनेक्ट कर देना है। अब आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन होने के बाद यह कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आप इसके प्रेशर लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कर देंगे तो इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और अगर इसे आप ऊपर की तरफ कर देंगे तो इसका प्रेशर लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ से आप इसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों मोड पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका पेन है उसके ऊपर आपको दो बटन दिए जाते हैं, एक राइट क्लिक और एक ऊपर ब्रश या इरेजर के लिए। इन दोनों को आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। टैबलेट के अंदर आपको 8 कीज दी जाती हैं जिन्हें आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें जैसे सेट हैं वैसे ही रखना चाहूँगा। मैं इनमें कोई फेर बदल नहीं करना चाहता। तो चलिए अब देखते हैं टैबलेट किस तरह से काम कर रहा है। इस समय मैं टैबलेट पर ही इस पेन को चला रहा हूँ। चलिए इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके देख लेते हैं। और ये देखिए अब मैं इस टैबलेट से ही यहाँ पर लिख रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।